दोस्तों, अपने घर के लिए एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर खरीदना आज इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको खरीदने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उनको ध्यान रख कर के लिए आप एक अपने घर में एक बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर ला पाएंगे। साथ में मैं आपको बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स फॉर होम की एक लिस्ट देने वाला हूँ, जिसके अंदर एक से बढ़ के एक वैक्यूम क्लीनर्स हैं। उसमें से आप चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर आपके लिए घर के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ और वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल अच्छे से कंफर्मेशन होगी कि आपके लिए कौन सा वैक्यूम क्लीनर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। और अगर आप इस वीडियो पे नए आए, चैनल पे नए आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में आपको दो तरह के वैक्यूम क्लीनर्स देखने को मिलेंगे, एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर और दूसरा वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स। ड्राई वैक्यूम क्लीनर सिर्फ ड्राई सर्फेसिस को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स आप वहाँ पर वेट सर्फेसिस भी आप वहाँ पर साफ कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए किसी वैक्यूम क्लीनर्स को खरीदने से पहले, वो होता है उसका पावर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा उसकी जो मोटर की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हो, सक्शन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो। सक्शन कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छे से सफाई होगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर आने वाले उसके एग्जॉस्ट वेंट में एक एयर फिल्टर होता है, जिसकी वजह से जब बाहर निकलती एयर तो पूरे कचरे के साथ नहीं निकलती, सिर्फ फिल्टर्ड एयर बाहर निकलती है। अगर आपके वैक्यूम क्लीनर के अंदर हेफा फिल्टर है तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर उसके अंदर नॉन रिप्लेसेबल एयर फिल्टर है तो आप उसे परचेज़ ना करें। नॉइस लेवल की बात करें तो आप ध्यान रखें कि उसका नॉइस लेवल कितना है किसी भी वैक्यूम क्लीनर का। उसके अंदर कॉर्ड लेंथ अच्छी होनी चाहिए, अगर छोटा वायर है तो आप उसे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसकी वारंटी का। अगर आपकी किसी भी वैक्यूम क्लीनर में आपको एक दो साल की वारंटी तो मिल ही जाती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसके अंदर एक्सटेंडेड वारंटी भी लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स की लिस्ट। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है यूरेका फॉर्ब्स। इसमें आपको 1.5 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो मोटर की पावर आती है वो है 1200 वॉट। इसके अंदर सक्शन पावर आपको देखने को मिलती है 16 kPa, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके नॉइस लेवल की बात करें तो 99 decibels के आपको इसके नॉइस लेवल देखने को मिल जाते हैं, जो कि थोड़े ज़्यादा हैं जो कंपनी दावा करती है उससे। इसके अंदर आपको ऑटो कोड वाइंडर का फीचर देखने को मिल जाता है। उसका जो कोड लेंथ है वो 4 मीटर की है। इसमें आपको थर्मल कट ऑफ मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है। अगर मोटर ज़्यादा हीट हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो वैक्यूम क्लीनर है वो अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अंदर आपको रियूजेबल डस्ट पैक देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें 2 फ्री मिलते हैं, बट वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं प्राइस में, आप समझ सकते हैं। इसके अंदर आपको डस्ट बैग फुल इंडिकेटर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जैसे ही डस्ट बैग फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट कर देगा कि ये फुल हो चुका है। इसके अंदर आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है और ये आपको 3500 रुपये के अराउंड मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस है, आई नो, बट इससे पहले आप जान लीजिए इसके प्रोज एंड कॉन्स। अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो इसकी जो सक्शन पावर है वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये अगर आप छोटे फैमिली हैं जिसमें कम लोगों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और बहुत ही कम सफाई आपको करनी होती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर मैं इसके नुकसान की बात करें तो आपको इसके अंदर आपको लेस सक्शन पावर देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा सक्शन पावर नहीं है और इसकी बिल्ड इन क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारा ड्राई वैक्यूम क्लीनर आता है वो है फिलिप्स पावर प्रो वैक्यूम क्लीनर। इसके अंदर भी आपको 1.5 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है, 1900 वॉट मोटर देखने को मिलती है, 33 kPa इसके अंदर आपको सक्शन पावर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है। इसके अंदर आपको कई सारी अलग फीचर देखने को मिलती हैं, जैसे EPA10 एलर्जी फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। पावर साइक्लोन 5 टेक्नोलॉजी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसकी प्राइस आपको अराउंड 8800 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी और 2 साल की वारंटी आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके अंदर फायदे की बात करें तो आप इसके अंदर लाइट वेट ये काफ़ी है, इसके अंदर गुड मोबिलिटी आपको मिलती है, आप इसे बड़ी आसान से इधर उधर यूज़ कर सकते हैं। इसके जो टायर्स हैं वो काफ़ी सही हैं। इसके अंदर आपको पावरफुल सक्शन पावर काफ़ी अच्छी है, यानी कि काफ़ी अच्छी सफाई आपको करके देगा। कौन से नुकसान की बात करें तो आपको अंदर ये इसकी जो प्राइस है वो स्लाइटली हाई है। इसकी प्राइस अराउंड 8800 के अराउंड आपको मार्केट में मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी हल्की ज़्यादा प्राइस इसकी आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अब नंबर 1 विद ड्राई वैक्यूम क्लीनर की। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो है अमेजॉन बेसिक्स। इसमें आपको 3 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है, 700 वॉट की मोटर देखने को मिलती है, 28 kPa की सक्शन पावर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी सक्शन पावर है। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एनर्जी एफिशिएंटी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी मोटर जो है काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें आपको रियूजेबल डस्ट बैग्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें आपको रिमूवेबल हेफा 12 फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे फिल्टर होते हैं। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट किया था कि ऐसे बहुत ही अच्छे फिल्टर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको कोल्ड वाइंडिंग जो देखने को मिलती है वो 6 मीटर की देखने को मिल जाती है।
इसके अंदर आपको डस्ट बैग फुल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, वही कि डस्ट बैग अगर फिल हो गया तो आपको इंडिकेट कर देगा ये ऑटोमेटिकली। इसके अंदर आपको लार्ज व्हील देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी मोबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, आप अच्छे से इधर उधर इसे मूव कर पाएंगे। इसके अगर नॉइस लेवल की बात करें तो वो आता है 87 डेसिबल, जो कि काफ़ी कम है, बहुत ही अच्छे हैं, इस लेवल पर इतना होना ही चाहिए। 2 साल की वारंटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही एफिशिएंट मोटर इसमें है, बहुत ही पावरफुल सक्शन इसके अंदर है, बहुत ही अच्छा सक्शन कंट्रोल फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको अगर आपकी मार्केट में प्राइस देखेंगे तो आपको 4200 रुपये का ये अराउंड मार्केट में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल कम प्राइस में, बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ ये आता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसे ज़रूर चेकआउट करें। बाकी चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है, मेरे सजेशन के हिसाब से ये आपको परचेस करना चाहिए अगर आप ड्राई वैक्यूम क्लीनर खरीदने की सोच रहे हैं। अगर आप इसके अंदर नुकसान की बात करें तो आपको इसके अंदर ब्लोअर देखने को नहीं मिलता, जो यूजुअली इतना खतरनाक फीचर नहीं है, बट ठीक है। दोस्तों बात करते हैं ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर्स की, तो तीसरे नंबर पर जो हमारा ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर आता है वो है कार्चर। इसके अंदर आपको 70 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है, 1000 वॉट की मोटर देखने को मिलती है, 20 kPa का सक्शन पावर देखने को मिलती है जो कि ठीक ठाक है। इसमें आपको ब्लोअर फीचर देखने को मिल जाता है, पेपर डस्ट बैग इसमें आपको देखने को मिलता है, फिल्टर जो है फिल्टर भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो नॉइस लेवल है वो 105 डेसिबल का आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो 4 मीटर का कॉर्ड लेंथ आपको देखने को मिलता है। 1 साल की वारंटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है और ये आपको मार्केट में भी मिलेगा 6400 रुपये के अराउंड, ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसके फ़ायदों की बात करें तो आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा सक्शन पावर देखने को मिल रही है, अगर इसके नुकसान की बात करूं तो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है। इसके अंदर जो सक्शन है वो भी इसकी प्राइस के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। बाकी इसके अंदर आपको जो इसके डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं जो खरीदने होंगे वो अलग से प्राइस पे करके ख़रीदना होगा, जो कि कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप इसे जाके ज़रूर चेकआउट करें। सेकंड नंबर पे जो हमारा वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर आता है वो है अगारो। इसके अंदर आपको 21 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है, 1600 वॉट इसमें आपको मोटर देखने को मिल जाती है। इसका जो सक्शन पावर है वो 21.5 kPa इसमें देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा सक्शन है। इसके अंदर ब्लोअर की बात करूँ तो ब्लोअर भी इसमें अवेलेबल है। इसका जो ड्रम है वो स्टेनलेस स्टील मटेरियल का आपको देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें जो डस्ट बैग आता है वो रीयूजेबल है। इसके अंदर एयर फिल्टर आपको देखने को मिलता है काफ़ी सही वाला। इसके अंदर आपको 360 डिग्री स्वेवल व्हील देखने को मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मोबिलिटी इसे प्रोवाइड करता है, जो कि बाकी किसी वैक्यूम क्लीनर में इतने अच्छे से देखने को नहीं मिलती। 92 डेसिबल इसकी नॉइस लेवल है, जो कि ठीक ठाक है। 5 मीटर की आपको इसमें कॉर्ड लेंथ देखने को मिल जाती है। 1 साल की वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5800 रुपये का ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसके अगर मैं सारे फायदों की बात करूँ तो वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल आप इसे परचेज कर सकते हैं। और जो इसके स्टेनलेस स्टील बॉडी होने की वजह से ये काफ़ी रफ़ एंड टफ वैक्यूम क्लीनर है, बहुत ही कमाल का वैक्यूम क्लीनर है। इसके नुकसान की बात करूँ तो आप इसमें एक नुकसान बोल सकते हैं, वो है कि इसके अंदर सक्शन कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, बट मेरे लिए वो इतना इशू नहीं है। आप इस प्रोडक्ट को देखें तो बहुत ही अच्छे फीचर इसमें है, बहुत अच्छी प्राइस इसकी है। आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, आप खुद जाके चेकआउट करें और सारी चीज़ें देखें। पहले नंबर पे जो अब हमारा प्रोडक्ट आता है वो है अमेरिकन माइक्रोनिक। इसके अंदर आपको 21 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 1600 वॉट की मोटर देखने को मिलती है, 28 kPa इसमें आपको सक्शन पावर देखने को मिलता है। प्लस इसके अंदर जो मोटर आती है वो आपको कॉपर मोटर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर आपको वॉशेबल एंड रियूजेबल डस्ट बैग देखने को मिलते हैं। ये जो प्रोडक्ट है आपको 2 साल की वारंटी के साथ देखने को मिलेगा। इसमें एक जो एडवांस फीचर हम कहते हैं जो ऑलमोस्ट सब वैक्यूम क्लीनर में होना चाहिए, वो इसमें थर्मल कट ऑफ का फीचर इसमें है, यानी कि काफ़ी सेफ्टी के साथ इसे बनाया गया है, हर एक चीज़ का इसमें ध्यान दिया है। इसके फिल्टर की बात करें तो वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी फिल्टर इसके अंदर है, हेपा फिल्टर इसमें दिया हुआ है। इसमें भी ब्लोअर अवेलेबल है। इसकी जो नॉइस लेवल है वो 97 डेसिबल तक जाता है। ये पूरा प्रोडक्ट जो है इसकी छोटी से छोटी चीज़ ISI सर्टिफाइड चीज़ है, यानी कि काफ़ी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो 7800 का भी ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा, बट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसके अंदर फायदों की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी सक्शन पावर है इसकी, बहुत ही अच्छी सक्शन पावर, जितनी ज़्यादा सक्शन पावर उतनी अच्छी सफाई आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर फिल्टर भी है, बहुत ही हाई क्वालिटी का फिल्टर, हेफा फिल्टर आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर नुकसान की बात करूं तो हल्का सा जो नुकसान कह सकते हैं वो है कि ये बहुत ही हल्का सा एक्सपेंसिव है। मतलब इसके अंदर थोड़े कुछ और फीचर हो सकते थे जिसकी वजह से इसकी प्राइस मेंटेन की जा सकती थी, बट अगर हम इसे अकारो से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी दोनों में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि दोनों में से कौन सा चूज़ करें, बट चॉइस आपकी है। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं।
दोस्तों ये थी बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स फॉर होम की लिस्ट। आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी अपना डाउट वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, आपको जिस तरह से हेल्प कर सकता हूं करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।